वो साल 1930 था। उस समय कमला देवी चट्टोपाध्याय 27 साल की थी। उन्हें खबर मिली कि महात्मा गांधी दांडी यात्रा के जरिए नमक सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद देश भर में समुद्र किनारे नमक बनाया जाएगा, लेकिन इस आंदोलन से महिलाएं दूर रहेंगी। महात्मा गांधी ने आंदोलन में महिलाओं की भूमिका चरखा चलाने और शराब की दुकानों की घेराबंदी करने के लिए तय की थी, लेकिन कमला देवी को ये बात खटक रही थी। अपनी आत्मकथा इनर रिसेस आउटर स्पेसेस में कमला देवी ने इस बात की चर्चा की है। वो लिखती हैं, मुझे लगा कि महिलाओं की भागीदारी नमक सत्याग्रह में होनी ही चाहिए और मैंने इस संबंध में सीधे महात्मा गांधी से बात करने का फैसला किया। महात्मा गांधी उस वक्त सफर कर रहे थे, लिहाजा कमला देवी उसी ट्रेन में पहुंच गईं जिसमें गांधी थे और वो उनसे मिली। ट्रेन में महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात छोटी थी, लेकिन इतिहास बनने के लिए काफी थी। पहले तो महात्मा गांधी ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन कमला देवी के तर्क सुनने के बाद महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह में महिला और पुरुषों की बराबर की भागीदारी पर हामी भर दी। महात्मा गांधी का ये फैसला ऐतिहासिक था। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और महिलाओं के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संस्था की संस्थापक रुचिरा गुप्ता का कहना है कि इस कदम से आजादी के आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। पूरी दुनिया ने देखा कि महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर नमक कानून तोड़ा। इससे कांग्रेस पार्टी में, राजनीति में और आजादी के बाद भी महिलाओं की भूमिका बदल गई। वहीं 19वीं सदी में लड़कियों के लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कमला देवी की मां गिरजाबाई की पढ़ाई लिखाई घर पर ही पंडितों के जरिए हुई। पति की मृत्यु और सामाजिक दबाव के चलते मां गिरजाबाई ने 11 साल की उम्र में बेटी कमला देवी की शादी करवा दी, लेकिन करीब 1.5 साल बाद ही कमला देवी के पति की मृत्यु हो गई। भले ही उनकी माँ अपनी बेटी के बाल विवाह के लिए उस समय मान गई थी, लेकिन कमला देवी की माँ ने अपनी बेटी के लिए उन सारे रीति रिवाजों को मानने से इनकार कर दिया जो ब्राह्मण समुदाय में एक विधवा के लिए तय थे। उन्होंने न कमला देवी का सिर मुड़वाया, न सफेद साड़ी पहनाई और न ही किसी अकेली कोठरी में रहकर पूजा पाठ करने को मजबूर किया। गिरजाबाई ने समाज की परवाह किए बगैर न केवल कमला देवी को स्कूल भेजा, बल्कि खुलकर आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाया। गिरजाबाई महिला एक्टिविस्ट पंडिता रामाबाई और रामाबाई राणा डे की समर्थक। उन्होंने कमला देवी के सामने एनी बेसेंट को एक रोल मॉडल की तरह पेश किया और कमला देवी ने इन प्रभावशाली महिलाओं से बहुत कुछ सीखा। चेन्नई के क्वींस मैरी कॉलेज में पढ़ते समय कमला देवी की मुलाकात सरोजनी नायडू के भाई हरिनाथ चट्टोपाध्याय से हुई। हरिनाथ अपने समय के जाने माने कवि और नाटककार थे। 20 साल की उम्र में कमला देवी ने हरिंद्रनाथ से शादी की। हरिंद्रनाथ से शादी पर भी कट्टरवादी तत्वों ने काफी आलोचना की, क्योंकि कमला देवी एक विधवा थी और जब आगे चलकर कमला देवी ने हरिंद्रनाथ से तलाक लेने का फैसला किया तब भी उंगलियां उठी, लेकिन इन सब को नजरअंदाज कर कमला देवी ने महिलाओं के सामने हमेशा एक उदाहरण पेश किया। साल 1926 में तब के मद्रास प्रोवेंशियल लेजिस्लेचर के लिए चुनाव हुए। चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। मार्गरेट कजन्स के प्रोत्साहन के बाद कमला देवी ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन रीना नंदा अपनी किताब कमला देवी चट्टोपाध्याय और बायोग्राफी में लिखती हैं कि इस चुनाव में प्रचार के लिए काफी कम समय बचा था। कमला देवी अभी तक वोटर के तौर पर पंजीकृत नहीं थी। आनंद फानन में चुनाव की तैयारी की गई। कजन्स ने महिला कार्यकर्ताओं का समूह बनाया और धुआंधार प्रचार करना शुरू कर दिया। इसमें कमला देवी के पति हरिंद्रनाथ ने नाटकों देशभक्ति के गीत प्रचार के दौरान गाकर उनका प्रचार किया। आखिरी मौके पर चुनाव मैदान में उतरी कमला देवी बहुत कम मतों से हार गई, लेकिन अपने इस कदम के साथ ही चुनाव लड़ने वाली वो पहली महिला बनी। कमला देवी के इस कदम से राजनीतिक पदों का दरवाजा महिलाओं के लिए खुल गया। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।